होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 0517826016। सावन आयो रे, सावन आयो रे, हा सावन आयो रे, सावन आयो रे, नाचे मयूरा संग में नाचूरी, हा नाचे मयूरा संग में नाचूरी, बादल छा गयो रे, बादल छा गयो रे, हा बादल छा गयो रे, बादल छा गयो रे, नाचे मयूरा संग में नाचूरी, हा हा नाचे मयूरा संग में नाचूरी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं मुंदेली लोक तैरना से, जिन्होंने अभी हाल ही में दुबई की यात्रा भी की है। चलिए मिलते हैं सुश्री राधा प्रजापति जी से। नमस्ते राधा जी। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं राधा प्रजापति झांसी की रहने वाली हूँ और मेरा ग्रुप का नाम है मुंदेली लोक नृत्य राई ग्रुप, जो कि राई एक हमारी संस्कृति, एक विधा है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने महोत्सव में, झांसी महोत्सव, सफाई महोत्सव, और अभी दुबई में अपना कार्यक्रम करके आए हुए हैं। राधा जी, इस फील्ड में आप कब से आई? वैसे तो मुझे बचपन से ही शौक था, मतलब जब मैं 5 साल की थी, और 2006 से मैंने अपना एक काम जो है शुरू किया हुआ है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही? वैसे तो बहुत कुछ करने की इच्छा थी, और इसके बाद मैंने बीए तक ही अपनी स्टडी कंप्लीट करके अभी गिव अप कर रखा है। तो राधा जी, आप जैसा कि नृत्य की बात है, रिया उसमें बड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, कहाँ से सीखा आपने ये सब? सीखा हुआ है, मतलब गॉड गिफ्टेड कहिएगा, मेरे लिए भगवान की देन है, क्योंकि मुझे मॉडलिंग से लेके, एक्टिंग से लेके, और डांसिंग से लेके, सिंगिंग से लेके मैं शौकीन रही हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित को कॉपी किया करती थी, उनकी जो सीढ़ियाँ होती थी और जो डांसिंग स्टेप होते थे, तो उनको इनहेरिट करके सीख के, मतलब आता भी नहीं था तो भी सीख के प्रेजेंटेशन कोशिश करती थी कि मैं करूँ, और पूरा कॉपी कर लिया करती थी जब मैं छोटी हुआ करती थी। और फिर उसके बाद मुझे कथक का बहुत शौक रहा, तो मैंने 1 साल कथक भी सीखा। कहाँ सीखा आपने? झांसी में संगीत विद्यालय है जिनका नाम है मिस्टर कृष्ण कांझा, उन्हीं से मैंने कथक सीखा हुआ है। कितने बरस आपने सीखा और उसके बाद आप पारंगत हो गई? वैसे तो मैंने 1 साल सीखा, फिर छोड़ दिया, फिर मैंने 1 साल सीखा, तो बीच बीच में क्या हुआ करता था, स्टडी बीच में आ जाया करती थी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती थी कि हम कुछ करने जाते थे तो अड़चने तो बहुत आती है, आपको पता है। जैसा कि आपने बताया कि आपने एक ग्रुप बना रखा है और उसको आप संचालन करती हैं, आपके ग्रुप के कई लोग और आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंस किया, कहाँ कहाँ आपने स्टेज शेयर किया? झांसी महोत्सव से लेके बचपन से आज तक सरकारी महोत्सव, तालवेंट महोत्सव, और गुड़कुंडाल महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, एंड जो भी योगी जी का मतलब आगमन हुआ करता था, मोदी जी हमारे आते थे, उनके सामने हमने अपना जो बुंदेली राई विधा है डिमरियाई वो रिप्रेजेंट किया,
और इतनी अच्छी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं क्योंकि हमारे सभी कलाकार जो उनका सहयोग है वो बड़े ही मतलब मेहनती हैं और बड़ी कोशिशों के बाद हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं, ये हमारे सभी के लिए गर्व की बात है। अच्छा राधा जी, जहां आपने इतना सब मंच को शेयर किया, परफॉर्मेंस की, बहुत सारी वाहवाही लूटी, तालियां बजी होंगी, आपको कहां कहां पुरस्कारों से नवाजा गया? मैं चाहती हूं कि वैसे तो अमर उजाला हुए जो मीडिया है हमारी, उनकी आभारी हूँ। और आगे कहाँ कहाँ आपको सम्मान मिला? अभी अभी तक सम्मान के लिए हम चाहते हैं कि हमारे सभी कलाकारों जो हैं उनको सम्मान मिला जाए और हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक स्मृति चिन्ह दिया जाए कि हम इसको आगे से आगे तक ले जा सकें। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपको कहीं प्रशस्ति पत्र मिले होंगे, बहुत सारे आपको स्टेज पर सम्मानित किया गया होगा, अगर उनका आपको याद आता हो तो लिख दीजिए। मिस माननीय अवस्थी जो है हमारी फोक सिंगर हैं और मैं उनसे मिली हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हमें, और हमारे माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी हैं जो, उनसे भी हमें उनका आशीर्वाद मिला हुआ है जो कि आज इस पद पर बैठे हुए हैं। आपका दुबई जाने का आयोजन कैसे हुआ, कैसे आप सात समंदर पार पहुँच कर हमारी बुंदेली लोक संगीत और लोक कला को आपने वहाँ पे उकेरा, वहाँ पे दर्शाया? 2021 में अभी माननीय मोदी जी और योगी जी यहाँ पधारे हुए थे तो उनके सामने हमारा परफॉर्मेंस राई विधा जो है रखा गया था, उसके बाद ही हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और पता नहीं कि मेरा लिस्ट में नाम कहाँ से आ गया और अचानक ही मुझे एक कॉल आया इन द मॉर्निंग कि आपको जाना है, अपने पासपोर्ट जो है तैयार रखिएगा और सरकार द्वारा, जी आपको सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। तो हम लोग बहुत खुश हो गए और अपने अपने काम में इतने बिजी हो गए। और पता नहीं कितने लोग आपके साथ उस ग्रुप में गए थे, उनका नाम का उल्लेख भी कीजिए। जी हमारे ग्रुप में सिर्फ 8 लोग थे जो कि वहाँ जाना हुआ था। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी जो हमारे ग्रुप के सहयोगी हैं, मिस्टर अंकुर जैन और ब्रह्मदीन अंकल और हमारे सिलचर अंकल जो कि झांसी से ही हैं सभी कलाकार। सिंगर जो है फोक सिंगर वो है हमारे मिस्टर हरविंद कुमार नीरज और मिस नीलम प्रजापति, निधि प्रजापति, राधा प्रजापति और सुमन प्रजापति, प्रिया कुमार, ये हमारे सभी कलाकार वहाँ प्रस्तुति देकर झांसी लौट रहे हैं। कैसा लगा आपको दुबई में जाके बुंदेली कला का प्रदर्शन करते हुए? मतलब विश्वास नहीं हुआ था कि हम फ्लाइट में बैठे तब लगा कि हम जा रहे हैं। यस बिल्कुल, सभी कलाकार हमारे पहली बार गए हुए थे, कोशिश थी हमारी कई बार कि हम ऐसा कुछ करें, अट्रैक्ट करते थे कि हम, मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने सभी आर्टिस्ट लोगों को एक सात समुद्र पार या वाया फ्लाइट मैं उनको अपना ग्रुप लेके कहीं जाऊंगी, लेकिन ये ऊपर वाले की देन रही और बड़ों का आशीर्वाद रहा, जल्दी पूरा हो गया और सभी के इतने हार्डवर्क के द्वारा हम वहाँ पहुँचे कि मतलब इतना इन्जॉयमेंट रहा। सरकार की तरफ से उन्होंने हमें घुमाया और हर चीज से हम लोगों को मान सम्मान मोती मिले। तो ये हम ही, हमारे जितने भी सभी कलाकार हैं उनका सहयोग और उनकी कड़ी मेहनत से ही यह सफल हुआ है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे सब घाघरा ही देख के बड़े खुश हो गए कि ये मतलब हाँ, आपकी ड्रेस बस यही ड्रेस पहन के आपने परफॉर्म किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, 16 से 18 गज का ये लहंगा होता है और इसको एक जब एक रई होती है जैसे कि मठा भाते हैं उसकी तरह, तो रई से एक राई का नाम दे दिया है जो कि लड़कियां घाघरा घुमाती हैं तो वो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ से। तो जब हमारा परफॉर्मेंस था सेकंड डे तो वहाँ पे जितने भी फॉरेनर लोग थे वो इतना चिल्लाने लगे कि हमारा परफॉर्मेंस होने जा रहा है, आप मतलब आइए। तो बड़ा ये सब देख के मान सम्मान और हमारी संस्कृति को एक नई पहचान मिली हुई है, नया सम्मान मिला है विदेश में मतलब
एक गौरव फील आ रहा था कि वहाँ पे ऑन स्टेज बार बार झांसी का नाम लिया जा रहा था, झांसी की रानी, झांसी की रानी। तो एक हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा था और अपनी राय इतनी दूर जाके हमने अपनी राय बिखेर दी, तो बड़ी खुशी की बात है हम सभी कलाकार। उसके लिए आपका पूरा ग्रुप बधाई का पात्र है। दादा, एक बड़ा जैसा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इस आपकी यात्रा में जो आपने सफल दुबई तक अपने सात समुंदर पार तय की, इसमें मुश्किलें कहाँ कहाँ आई आपकी? मैं क्या बताऊँ कि किस तरह की मुश्किलें आई। मैं आपको बता दूँ कि मुश्किलें तो जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं जिसकी आपने कहा, तो अड़चनें बहुत आती हैं। ऐसी मुश्किलें आई कि हमारा यहाँ फंक्शन है और हमें पासपोर्ट के लिए कानपुर जाना है, डेट वही कन्फर्म है, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि आप जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। और सेकंड थिंग कि हम वहाँ पहुँचे और यहाँ पे हमने टीम लगाई, वहाँ पहुँचे, अपना जो भी पासपोर्ट का काम था वो रजिस्ट्रेट करवाया, और मतलब ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन हमने जो अपनी जो हिम्मत नहीं आ रही कि हमने सोच रखा था सभी ने कि हमको ये करना ही है और हमने किया। अब आगे आपके और नए क्या धमाकेदार प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अब नया साल शुरू हो गया है? बिल्कुल, मैं अपनी राय बताना चाहूँगी कि हमारी जो विधा है, राय है, कुछ लोग हैं इसको जो मतलब अलग ही तरीके से देखा करते हैं। जैसे कि कमाई का जरिया लोगों ने मतलब बनाया है। तो सबसे पहले मेरी दरख्वाहिश यही है सभी से कि उनका पहनावा जो है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है और संस्कृति को हम जितना सजा के जितना ढाक के रखेंगे उतनी वो उभर के आएगी। तो पहनावे के ऊपर जिसकी लहंगा चोली है तो अपनी संस्कृति के साथ इसका ध्यान दिया जाए। जिसकी कह सकते हैं कि कथक में अगर हम कुछ और पहने तो अच्छा नहीं रहेगा, आपको उसके अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। सेकंड बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगी जितने भी हमारे बुंदेलखंड के कलाकार हैं और वो अगर ये चीज़ समझ जाए तो बहुत, मैं छोटी हूँ खैर, लेकिन मुझे अपनी संस्कृति से प्यार है तो मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। जो वो गाते हैं, मतलब रात को गाते हैं, दिन में गाते हैं, लॉन्ग टाइम तक सुन चलते हैं, लोकगीत गाते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि वो क्या गा रहे हैं हमारी संस्कृति। बिल्कुल बिल्कुल, उसका डबल मीनिंग या कुछ नहीं, गाने पर आप लोकगीत गा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि आपसे ही हमारी संस्कृति है। अगर आप ही अपनी संस्कृति को इस तरीके से मतलब फैलाएंगे तो लोग यही कहेंगे अरे ये मतलब समझ में नहीं आया क्योंकि है क्या भाई, यही विधा है इनकी, तो लोग यही कहेंगे हमसे। तो अपनी संस्कृति को गाने से लेके, डांसिंग से लेके, पहनावे से लेके इसको बचाए रखिएगा, मेरी यही ट्रेडिशन का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, और मेरी कोशिश यही है कि अगर मैं इसके लिए लड़ सकी तो मैं जरूर लड़ूंगी। कैसे लड़ेंगे आप मुझे बताएं? <लड़ेंगे? laughs> नहीं, जैसे कि मैं यहाँ से दुबई तक के लिए लड़ी तो ऊपर वाले ने साथ दिया और वीरांगना बन के मानेगी। बिल्कुल, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं दुबई तक के लिए लड़ी हूँ और आगे भी दुबई क्या, सिंगापुर, पेरिस, जहाँ भी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर करूँगी, और इसके लिए मैं कोशिश करती रहूँगी कि मेरी संस्कृति को नई पहचान मिली जाए। राधा जी के इस जज्बे के अलावा और ऐसे कौन से शौक हैं जो लोगों को पता ही नहीं? अगर मैं डांसिंग की बात कुछ करना चाहूँगी, डांसिंग तो मेरी हमेशा रहेगी, लेकिन मेरा फोकस अभी है सिंगिंग पर, जो कि एक मैं फोक सिंगर के साथ और क्लासिकल सिंगिंग में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैं फोक सिंगर जो विधा है हमारी, जस्ट लाइक मिस मालिनी अवस्थी, उन्होंने इतना बचाव करके रखा है अपनी संस्कृति को, फोक गाती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही मैं कुछ करना चाहूँगी अलग, और कभी मौका मिला तो एक्टिंग में अपना पर्सनल कुछ करना चाहूँगी। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अगर आप फोक की बात कर रही हैं तो कुछ करके दिखाइए ना। मैं बैठे बैठे कैसे करके दिखाऊंगी, कुछ गाके, कुछ सिंगिंग। Okay. मैं बता दूं कि मैंने अभी एक सॉन्ग लिखा हुआ था, मैंने खुद ही कंपोज किया हुआ है वो, और मैं इसको गाना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत। सावन आयो रे सावन सावन आयो री, सावन आयो री, नाचे मयूरा संग में ना चूरी, हा हा।
बादल छा गए रे, बादल छा गए रे, हाँ बादल छा गए रे, बादल छा गए रे, नाचे मयूर आसन में ना चूरी, हाँ हाँ नाचे मयूर आसन में ना चूरी। बहुत शानदार, आपकी प्रस्तुति यकीनन लाजवाब है। कुछ और भी अगर आपको आपके द्वारा तैयार किया हुआ है कोई कंपोजिशन है तो मैं चाहूँगा कि एक आध कोई आप और सुनाएं दर्शकों को, हमारे कुछ और याद आता हो आपके, किसी और का भी हो तो चलेगा। बिल्कुल, मुझे क्लासिकल से बहुत प्यार है और मैं अब क्लासिकल जो मैंने गिव अप कर रखा था मैं फिर से उसमें मूविंग करूँगी, मतलब मूव करना चाहूँगी। तो मैं एक छोटा सा भजन दो लाइन का गाना चाहूँगी। अच्छा, जब मुझे याद आ जाएगा तब मैं गा दूँगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं हमारे जो जिनकी जो मेहनत होती है वो ऊंचाइयों पे जाते हैं, कुछ लोग बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी कोशिश में हैं, हम अपनी कोशिश में हैं, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा तो एक जुनून रहा है, अगर आपके अंदर वो आग है तो आप कीजिए, और मैं उन्हीं सब के लिए गाना गाना चाहूँगी। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम सॉरी। अब अच्छा गा रही थी, और आइए वन मिनट एक्चुअली। क्यों आप इतनी शर्मिंदा क्यों होगी, क्या इससे कोई आपकी यादें जुड़ी हुई हैं? रिलैक्स कीजिए आराम से। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको नीचे दिखाना चाहते हैं। हाँ, मैंने शुरू में कहा कि आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, तो क्या वो कुछ याद आ गए आपको? कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। हाँ। और फैमिली में मैं एक सिंगर आर्टिस्ट हूँ जो कि भगवान ने मुझे दिया है। हाँ। तो इसके अलावा, संगीत के अलावा मेरा किसी मन नहीं लगता जी। घर की जिम्मेदारियों से लेके मैंने अपने आप को खुद को बनाया है जी। लोगों के साथ काम करके, आप कलाकार हैं मैं कलाकार हूँ, तो ये बात सच है कि कलाकार कलाकार का एक सम्मान और सपोर्ट करेगा तो ही हम आगे जा सकते हैं। मैंने सभी के साथ काम किया और सबका एक बिहेवियर देखा, अरे कुछ नहीं मिलता तो आप उसको नीचा दिखाएंगे या फिर आप उसको मतलब एक कहते हैं ना वो नमक मिर्ची लगा के उसको पेश करेंगे, धकेलेंगे कि नहीं लड़की गलत है, इसने ऐसा कर रखा है इसने, तो वो जिस जहां भी जाएगा यही मतलब आपकी दूसरी के सामने छवि बनाएगा। तो खैर मैं इमोशनल हूँ, आपने इस तरह कोई बात तो, नहीं एक्चुअल मैं चाह रहा था कि आप अपने मन को संयत करके जो रियलिस्टिक फॉर्मेट है उस पे बात करें। जो मैं खुद ही एक महसूस करती हूँ, भाई मैं सबसे बोलती हूँ मैं किसी का भला नहीं कर सकती तो मैं बुरा भी नहीं करूंगी, तो लोग ऐसा अक्सर करते हैं मेरे साथ कि दूसरों के सामने आप किस तरीके मुखौटा लगाए रहते हैं, मुखौटा लगाए रहते हैं और नीचे दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि मैंने इस लाइन में सबका एक मान सम्मान से लेके सपोर्ट से लेके मैंने किया है कि नहीं मैं करूंगी। भाई मुझे खुद अपनी संस्कृति से, अपने आप से, अपनी कला से प्यार है, तो मैंने उतना लोगों के सम्मान के साथ उतना काम किया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं आप उसके बने हुए कलाकार रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। भाई जो एक प्रिंसिपल होता है, यानी कि एक जो स्टूडेंट होते हैं, एक जो टीचर होती है, वो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसमें से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ टीचर बनते हैं। तो ये एक इंसान पे डिपेंड करता है, आप कितना भी सिखाइए, उसका जुनून कि उसको उस लाइन में इंटरेस्ट है या नहीं। जी।
खुद ही बनता है, आप उसको कितना भी बनाओगे वो नहीं बनेगा। तो मेरे अंदर खासियत रही है, मैंने मैंने जितने भी बुंदेलखंड के लोग हैं, यहाँ तक कि गोरखपुर, लखनऊ, हर जगह काम किया है, इंदौर, राजस्थानी मैंने काम किया हो, उज्जैन में रह के राजस्थानी मैं फोक किया करती थी, लेकिन बाहर के लोगों ने मुझसे कभी मेरे डांसिंग हर चीज को लेके बढ़ावा दिया कि बहुत अच्छा कार्य कर रही हो, अपने कई बार अपने अपने जैसे नहीं लगते। हाँ, होते बिल्कुल, भी बिल्कुल। तो मैं यहाँ के लोगों को एक यही बात, मतलब जितने भी कलाकार हैं जो भी हैं, मैं फिर से वही कहूंगी कि मैं छोटी हूँ, एडवाइस देना नहीं चाहूंगी, लेकिन जो मुझे महसूस होता है बिल्कुल, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, देखिए आपकी कोशिश आप कीजिएगा, हम आपको नहीं रोकते, और हमारी जो हमारा जो जुनून है, जो मेहनत है, वो आप हमारी किस्मत को नहीं ले जाओगे, ये मेरी किस्मत है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। चलिए, उन पे आप दया कीजिए और हम लोग फिर वापस वहां आते हैं कि राधा जी का आने वाले कलों में, आने वाले समय में ऐसा क्या है कि जो जलने वाले हैं वो और जलेंगे, क्या करना चाहेंगे? मैं तो किसी को नहीं जलाती हूँ। नहीं, वो स्वतः उनकी फितरत में होता है, ये उनकी फितरत में होता है, लेकिन मेरा किसी को जलाने का टारगेट नहीं है, मुझे अपने काम पर और गोल अचीव करने पर टारगेट है, और लोग जलते हैं तो जलते रहे, और मेरा काम तो बहना है एक नदी की तरह, तो मैं बहू बहती जाऊंगी। दर्शकों को कुछ और सुनाना चाहेंगी अगर आपको याद आ गया हो तो? ओके, बिल्कुल। मैं एक क्लासिकल छोटा सा मीरा जी का गाना गाना चाहूंगी, कृष्ण जी का। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष गुण गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत अच्छा गाती हैं आप, आशीर्वाद है। प्रधान जी, आपको जो सम्मान मिले उनका उल्लेख भी करें, कहाँ कहाँ आपको लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया जी। मुझे वैसे तो मतलब बचपन से ही मैं काम करती आई हूँ, और मेरे पास जो प्राइजेस है वो 100 के ऊपर ही हैं, और झांसी महोत्सव, साहित्य महोत्सव से लेके सम्मान मिला हुआ है, और नमस्ते ट्रम्प जो कि मेरा फर्स्ट शो था इसमें, और बहुत उसमें भी हम लोगों ने नाम किया हुआ था, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि आपने भोजपुरी फिल्मों में भी शिरकत की थी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे लिए एक ऑफर आया था वहाँ से, तो एज अ लीड रोल के लिए उन्होंने मुझे मतलब चुना, और मैंने वहाँ काम किया, बड़ी मतलब बहुत खुश थी मैं उस टाइम पे कि ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है। उसके जस्ट मूवी ख़त्म होने के बाद, शूट जो ख़त्म हुआ, मुझे दो मूवियों का और ऑफर आया था, लेकिन कुछ कारणवश मुझे जचा नहीं, तो मैं वहाँ से एक मूवी तो गिव अप करके ही अपनी झांसी लौट आई थी, तो बड़ा अच्छा लगा। क्या चाहेंगी आप? बुंदेली लोग नृत्य से जुड़ी हुई हैं, कल्चर से जुड़ी हुई हैं, कैसा भविष्य देखती हैं इसका? मैं चाहती हूँ, जब मैं उज्जैन में रहा करती थी, या फिर शूटिंग के दौरान मैं गोरखपुर में रही, लखनऊ गोरखपुर, तो मुझे लगा कि यहाँ की जो संस्कृति है, जो पहनावा है, जो हर चीज़ को दर्शाया जाता है, वो आज उस लेवल पे है, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, तो तब से मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक की कि मैं भी अपनी झांसी संस्कृति के लिए, बुंदेली के लिए उस स्तर तक ले जाऊं कि इनकी गिनतियों में भी मेरा एक नाम आए, राई लोक नृत्य, ये मेरी कोशिश है। चलिए, मैं भी उम्मीद करूंगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं, वो नए साल में भरपूर उड़ान भरे जी। और जैसे कि दुबई का सफ़र रहा हम लोगों का, बहुत अच्छा रहा, जल्दबाजी में रहा थोड़ा, क्योंकि दुबई के जब हमें पता चला कि मैं जाना है,
तो वो सारे काम छोड़ दिए थे। माइंड भी कहते ना थोड़ा सा वो रहता है, एक ही काम में फोकस, तो मतलब वहीं जाना था हमें, ये कोई शो आ रहा है तो एक्सेप्ट ही नहीं करना। तो उन्होंने कुछ चुनिंदा हमारे ग्रुप के जो लोग थे जिनके वीज़ा क्लियर हुए, वही लोग हमारे 8 लोग जा पाए थे। लेकिन मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि मैं नेक्स्ट टाइम मेरे जितने भी दल जो मेरा पूरा है, 15 लोग हैं, 16 लोग हैं, मैं उनको साथ में अपने विदेश की यात्रा के साथ, अपनी बुंदेली संस्कृति सभी को वहाँ ले जाऊँ और अपनी संस्कृति के साथ मेहनत से अपनी जो विधा है हमारी राइड भरे वहाँ बिखेर गया है। राधा जी से अगर एक रूमानी सवाल किया जाए, कल्पना वाला सवाल किया जाए, तो क्या आने वाले जन्म में फिर से राधा ही बन के आएंगी या कुछ और नया सोचती हैं? वो तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि शायद मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जन्म मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और ये मेरी गर्व की बात है, खैर झांसी के लिए ही नहीं कि मैं मतलब भारत की बेटी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, जन्मी हूँ और अपनी संस्कृति और वो भी झांसी में, और अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हम सभी कलाकार बहुत सीरियस हैं। और मेरी कोशिश लास्ट तक यही रहेगी कि मेरी संस्कृति राई ढिमरियाई विधा जो भी है, यहाँ की जो विधाएं हैं, वो देश प्रदेश तक लोग जाने, जैसे कि देश विदेश तक जाने कि भाई ये वहाँ की विधा है। जैसे कि एक राजस्थानी को या कथक को बोल दिया जाता है कि भाई ये कथक है, तो लोग बच्चा समझ जाता है कि भाई ये कथक है। जी, बंजारा बीट्स एक सोशल प्लेटफॉर्म है, कल्चरल प्लेटफॉर्म है, ये इंफॉर्मेशन देने वाला प्लेटफॉर्म है। आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहिए? मैं अपने माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी जो मीडिया हैं, आपके जितने भी सदस्य हैं, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, या जो भी एक नई चीज़ आती है उसमें आप मेहनत करते हैं, और मेहनत ही करते जाइएगा, और सभी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी लाइन में हैं, और बस सहयोगी। बंजारा बीट आपसे एक व्यक्तिगत अपील करेगा कि आप आंसुओं को छुपाइए, ताकत को बढ़ाइए। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही। तो ये भी राधा प्रजापति जी जो नम आंखों से और भी तमाम अपने तरीके से बंजारा बीट के साथ अपने मन की पीड़ा दशा दुर्दशा को शेयर कर रही थी। नमस्ते राजा जी, बंजारा बीट से बात कर। थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी पे बनाए रखिएगा, और मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती समय देके आप यहाँ तक आए, और मेरी जो छोटी छोटी जो भी बातें थी, मतलब अंदर से भी निकल आई, वो आपने बताया है सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।